नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन भगवान कासारे, कासारे किचन रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। हमारे एक व्यूवर से अर्पिता जी, जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें हलीम, जिसे हम अलीव भी कहते हैं, उसकी खीर बनाने का सबसे आसान तरीका जानना था। और आपको पता है, हलीम जिसे अलीव भी कहते हैं, उसके कई ढेर सारे फ़ायदे हैं। वो सब हम आगे अपनी रेसिपी में जानने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए और हमारी रेसिपी पूरी देखिए। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी, हलीम की खीर। उसके लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध। यहाँ पे मैंने गाय का दूध लिया है। अगर आपको फुल क्रीम दूध चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलिव लिए है, इसको हलीम भी कहते हैं, और ये इस तरह का रहता है। ये देखिए, आधा कप शक्कर और इलायची पाउडर आधा चम्मच, और ड्राई फ्रूट लिया है। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं हलीम की खीर। हलीम की खीर बनाने के लिए हमें हलीम भिगो के रखना है सबसे पहले आधा घंटा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप गर्म पानी या गर्म दूध से भी भिगो सकते हैं, ताकि जल्दी भीग जाए। मैंने 2 चम्मच यहाँ पे हलीम लिया था, और वो अभी भीगने के बाद इस तरह से फूल गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल जेली की तरह हो गए हैं। अब हम खीर बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। अब हम गैस ऑन करके एक बर्तन रखेंगे। मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी है, आपके पास जो भी बर्तन है आप रख सकते हो। और उसमें हम दूध डालेंगे। और दूध को हमें अच्छी तरह से उबाल लेना है। दूध अच्छी तरह से उबल चुका है, और हमें इसे 1-2 मिनट और उबाल लेना है। अब हम इसमें हलीम डालेंगे भिगोए हुए, इस तरह से। इस तरह से हम ये पूरी हलीम जो है वो इसमें दूध में डाल देंगे। हलीम और दूध हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और फिर से इसे एक उबाल आने देनी है हमें। दूध और हलीम अच्छे से उबल चुका है, अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। शक्कर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कम या ज्यादा, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शक्कर भी इसमें अच्छी तरह से घुल चुकी है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट में आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो अपने हिसाब से, और अगर नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। और दोस्तों, इसके ना बहुत सारे फायदे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो चलो शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला फायदा है कि आफ्टर प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है, त्वचा और बालों के लिए तो एक वरदान जैसा ही है। इम्यूनिटी बूस्ट भी बढ़ाने में बहुत मददगार है। जिनको अस्थमा है उनको इसमें बहुत अच्छी राहत मिलती है। जिनको मोटापे की तकलीफ है उन्हें वजन कमी करने में मदद करती है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपने खाने में इसका सेवन अवश्य करें, क्योंकि आप तंदुरुस्त तो घर तंदुरुस्त। तो हम कहते अभी हम इलायची पाउडर डालेंगे। और उसे भी अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने जो दूध, अलीव, ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर और शक्कर इस खीर में डाली थी, वो अच्छे तरह से मिक्स हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से अलीव की खीर, जिसे हम हलीम की खीर भी कह सकते हैं, वो अच्छी तरह से उबल चुकी है। इस तरह से हमारी खीर तैयार है। ये देखिए, अब हम गैस बंद कर लेंगे। अभी हमारी हलीम की खीर परोसने के लिए तैयार है। हम अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही इजी और स्वादिष्ट है ये खीर खाने में। तो अर्पिता जी, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, हमें अवश्य कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। और आप सभी व्यूवर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया। अगर आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।